हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सूरज और स्वागत करते हैं आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं कि यदि आपका LIC पॉलिसी है तो आप कैसे LIC पॉलिसी को बंद कर सकते हैं और कैसे उस और ऐसा कौन सी तरीके हैं जिससे पॉलिसी को बंद किया जा सकता है। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर करते। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं कि LIC पॉलिसी को बंद करने के कौन सी तरीके हैं। तो सबसे पहले और नंबर वन में हम बात करेंगे कि यदि आपका LIC पॉलिसी है और आप बंद करना चाहते हैं तो यहाँ पर ऑनलाइन और ऑफलाइन के जो तरीके, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो अभी तक LIC की कोई भी ऐसी वेब एप्लीकेशन नहीं है जिसके मदद से आप पॉलिसी को ऑनलाइन से, यानी कि घर बैठे आप पॉलिसी को बंद कर सकते हैं। लेकिन हाँ, आप ऑफलाइन से बंद कर सकते हैं, यानी कि आप जो भी LIC के ब्रांच ऑफिस आपने पॉलिसी को खरीदी हुई है, LIC की जो सर्विसिंग ब्रांच है आपका पॉलिसी की, उसी सर्विसिंग ब्रांच से आप पॉलिसी को बंद कर सकते हैं। और इसके बाद हम बात करेंगे कि LIC के पॉलिसी के कौन से डॉक्यूमेंट्स है जो चाहिए आपको पॉलिसी को बंद करने के लिए। यानी कि देखिए, पॉलिसी को बंद करना मतलब आप अपने पॉलिसी को सरेंडर करना चाहते हैं, और सरेंडर करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहला कि आपको सरेंडर करने के फॉर्म आपके पास होनी चाहिए। आप LIC के ब्रांच ऑफिस में LIC के सरेंडर फॉर्म आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप सरेंडर फॉर्म ले सकते हैं। और उसके बाद आपका पैन कार्ड होनी चाहिए, बैंक पासबुक होना चाहिए, और उसके बाद जो आपके LIC पॉलिसी की जो सर्टिफिकेट है जिससे पॉलिसी बॉन्ड कहा जाता है, ये ओरिजिनल पॉलिसी बॉन्ड आपको सबमिट करना होता है, यानी कि फिर से वापस देना होता है LIC के पास। उसके साथ ही साथ आपके पास एक रुपये की, यानी कि 1 रुपये की रेवेन्यू स्टाम्प भी होना चाहिए। ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको पॉलिसी के सरेंडर करने के लिए चाहिए। इसके बाद हम बात करेंगे कि LIC पॉलिसी को यदि कोई बंद करना चाहता है तो बंद करने के बाद कौन से बेनिफिट्स है और कौन कौन से नुकसान है। तो सबसे पहले हम नुकसान के बारे में बात करेंगे। जब आप पॉलिसी को बंद कर देते हैं तो उसके बाद आपका नुकसान सबसे पहला होता है कि आपका पैसा का नुकसान होता है, यानी कि आपने जितना भी पैसा डिपॉजिट किया हुआ है LIC की पॉलिसी में, उसमें से आपका नुकसान होता है 30-40% पैसा कट होता है और उसके बाद आपको रिटर्न दे दिया जाता है। और उसके बाद क्या होता है कि आपने जितना भी पैसा जमा किया उसका किसी भी प्रकार का बोनस इंटरेस्ट आपको नहीं मिलता है यदि आप बीच में पॉलिसी को बंद करते हैं या फिर सरेंडर करते हैं तो। और उसके बाद बात आपका लॉस क्या होता है कि जब आप पॉलिसी को बंद करते थे तो आपके पास यानी किसी भी प्रकार का इंश्योरेंस की कवरेज नहीं रहते, यानी कि भगवान ना करे यदि आपके साथ कुछ ऐसा अनहोनी हो पॉलिसी बंद करने के बाद, तो आपका फैमिली को या फिर आपके परिवार नॉमिनी को किसी भी प्रकार का इंश्योरेंस का बेनिफिट्स नहीं मिलता है। और वहीं पर अगर हम देखें कि पॉलिसी को बंद करने के बाद कौन कौन से बेनिफिट्स मिलता है, तो बेनिफिट्स के बारे में बात करने से पहले आप ये जान लीजिए कि जब आप पॉलिसी को बंद कर देते हैं तो आपको किसी भी प्रकार का प्रीमियम नहीं भुगतान करना पड़ता है। LIC पॉलिसी से आपको छुटकारा मिलता है और किसी भी प्रकार का आपको प्रीमियम भुगतान नहीं करना है। साथ ही साथ आपको दूसरा बेनिफिट्स में क्या है कि जब आप पॉलिसी को बंद कर देते हैं तो आपका पैसा आपको वापस मिल जाता है, आपका बैंक के खाता में LIC ट्रांसफ़र कर देता है और आपको पैसा मिल जाता है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि जब आप पॉलिसी को बंद करना चाहते हैं बीच में या फिर किसी भी कई साल के बाद अगर आप बंद करना चाहते हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि आपका पॉलिसी को बंद करने से पहले आपको यह पता लगा लेना चाहिए कि क्या आपका पॉलिसी 3 साल कंप्लीट हुआ है। यदि आपका पॉलिसी 3 साल अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है तो आप अपने पॉलिसी को बंद नहीं कर सकते, क्योंकि LIC का ये टर्म और कंडीशन है कि आपको मिनिमम 3 साल प्रीमियम भुगतान करना होगा और आपका पॉलिसी 3 साल के बाद ही आप पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं और आप अपना पैसा निकाल सकते हैं। तो पॉलिसी को बंद करने से पहले आप ये ज़रूर देख लें कि आपका पॉलिसी 3 साल हुआ है या फिर नहीं। और जैसे कि मैंने बताया कि आपका नुकसान के बारे में, तो नुकसान आपका 30-40% पैसा आपका नुकसान होगा, आपने जो डिपॉजिट किया हो यहाँ पर किसी भी प्रकार का आपका बोनस नहीं मिलता है और पॉलिसी बंद करने के बाद आपको इंश्योरेंस की कवरेज भी नहीं मिलता है। तो आप पॉलिसी को कैसे बंद कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। बस आप LIC के ब्रांच ऑफिस में जाइए, वहाँ पर विजिट करिए और आपका पॉलिसी बॉन्ड लेके जाइए, पैन कार्ड और बैंक का अकाउंट लेके जाइए और 1 रुपये का रेवेन्यू स्टाम्प। उसके साथ ही साथ वहाँ पर आप LIC के सरेंडर फॉर्म ले सकते हैं, वहाँ पर सारे फॉर्म को फिलअप करके अपना सिग्नेचर देके आप सब कुछ LIC के PS डिपार्टमेंट, पॉलिसी सर्विसिंग डिपार्टमेंट में आप सब कुछ सबमिट करिए, आपका पैसा आपके बैंक के खाता में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा और आपका पॉलिसी बंद हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो अपलोड करते रहता हूँ। तो चलिए वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।